मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। हेडलाइन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। बाग से बनी अमराई में माता जी की आरती में कई श्रद्धालु हुए सम्मिलित। बक्समनिया भगवती दुर्गा उत्सव समिति में आज माता रानी के दरबार में आरती में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। विगत 10 वर्षों से हमारे अनुज लालू थापा जी यहाँ पे 19 वर्षों से लालू थापा जी अपने यहाँ पे माता जी का स्थापना करते हैं और पूरे यहाँ के रहवासियों को माता के दरबार में सबको आशीर्वाद मिलता है, अच्छे कार्यक्रम होते हैं, यहाँ पर सब खुशहाल रहते हैं। सर, आने वाले समय में कोरोना के जो लक्षण नज़र आ रहे थे, क्या माता रानी से मांग करेंगे कोरोना चला जाए? भैया, माता रानी से तो अपन ये आग्रह और निवेदन और नमन करते हैं माता रानी से कि ऐसा प्रकोप आने वाली पीढ़ियों को भी ना देखना पड़े। जो प्रकोप जिस प्रकार आज समाज पर पड़ा है, इससे जन हानि और धन हानि सभी प्रकार की हानियों का सामना करना पड़ा है। मैं मानता हूँ कि भोपाल शहर में काफ़ी जनहानि हुई है, जिससे कई परिवार उजड़ गए हैं, जिसको अपन उस तरीके से दुख भी नहीं सो कर सकते जब कितना दुख परिवारों में पड़ा है, वो भी अपना अनुमान नहीं लगा सकते। घर के घर और गांव के गांव उजड़ गए हैं इस कोरोना से, और सरकार की इसमें कुछ नाकाम कोशिशें रहीं, इस कारण ही इस ज़्यादा जनहानि हुई। सर, नाम बता दीजिए। मैं सुमेर सिंह पटेल, कुंजन नगर फेस वन, वार्ड 54 से हूँ।